तो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं उनको गिराते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। अब जरा खबर बिहार से। बिहार में एनडीए के बीच सीटों को लेकर रस्साकशी चरम पर है। बीजेपी के घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहते हैं। रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को अल्टीमेटम तक दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले सियासी संकेत एनडीए गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। बिहार में चुनाव सिर पर आ चले हैं, लेकिन सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं होने की सूरत में सहयोगी दलों का सब्र चूकने लगा है। रामविलास पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने पुराने समझौतों का हवाला देकर सीटों पर बीजेपी को अल्टीमेटम देकर एक कदम आगे बढ़ा दिए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों को लेकर सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी एलजेपी को अपने लिए 75 सीटें चाहिए, तो कुशवाहा की पार्टी 67 सीटों पर दावा ठोक रही है। अगर सीटों पर यही फॉर्मूला तय हुआ तो बीजेपी को 100 सीटों पर ही ताकत दिखानी होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 22 सीटों पर परचम लहराया था, वहीं एलजेपी 6 और आरएलएसपी ने 3 सीटें जीतकर एनडीए का साथ निभाया। लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी मांगे मोर वाली हालत बन चली है। एनडीए की देरी के उलट बिहार में दूसरा खेमा पहले ही सीटों का समझौता पक्का कर चुका है। आरजेडी और जेडीयू 100-100 सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटों पर इत्मीनान करना होगा। जबकि मोदी की 1 सितंबर को भागलपुर में होने वाली रैली के बाद ही एनडीए में सीटों पर आखिरी जोड़ घटाव गुणा भाग होने के संकेत हैं। कुमार अभिषेक, पटना आज तक।